आसान नहीं है। उसके चरणों में हम अपने आप को समर्पण कर सकते हैं, भगवान के चरणों में भगवान से कह सकते हैं, वी से विकार मिटाओ, पाप हरो दीवा, हम रोक नहीं सकते लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। एक महात्मा जी थे, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, तो वो जंगल में रहते थे और उसी जंगल के पास एक गांव लगता था और उस गांव के अंदर एक लड़की रहती थी, चुलबुली थी और नित्य हर रोज वो बकरियां चराने के लिए जाती थी। तो वो बाबा जी का समय होता सुबह सुबह धूप में बैठने का, धूप में बैठते इधर से वो बकरियां लेकर निकलती, तो वो इतनी चुलबुली थी कि वो नहीं समझती थी कि संत के साथ कैसे बातें करनी है कैसे नहीं करनी। और बाबा जी बूढ़े हो गए थे तो उनकी जो दाढ़ी थी वो सफेद थी, तो वो जाती और जाते जाते कहती कि बाबा जी एक बात पूछूं आपसे। बाबा जी कहते पूछो। कि बाबा जी आपकी दाढ़ी पूरी सफेद है? बाबा जी कहते हाँ पूरी सफेद है। तो कहती क्या इसमें एक भी बाल काला नहीं है? बाबा जी कहते नहीं। अब उसका रोज का ये काम था तो वो कहती बाबा जी इसमें कोई दाग नहीं? बोले नहीं। इसका उत्तर मैं कभी आपको बाद में दूंगा, मुझे नहीं पता कि ये दाढ़ी कैसी है, जैसी तुमको दिखती है वैसी तुम देख लो। ऐसे करते करते अंत समय आया, बुजुर्ग हो चुके थे, मिलने के लिए सारे शिष्य शिष्याएं बहुत सारे लोग बाबा जी के पास आए। बाबा जी से पूछा बाबा जी कोई आखिरी इच्छा है? बाबा जी ने कहा एक इच्छा है। क्यों? क्योंकि जो नित्य मिलता है उसकी बातें दिमाग में रहती हैं कि बाबा जी आपकी दाढ़ी कैसी है, तो सोचा कि मैं चला जाऊंगा। तो कहा कि उस लड़की को बुला दो। गांव वालों ने कहा बाबा ये भी कोई इच्छा है? तो गांव वालों ने सोचा बाबा जी फिर मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, एक बार उसको बुला लेते हैं। बुलाया तो बुलाकर कहा कि बेटा तुम अब पूछो मुझसे वो बात। तो उसने कहा कि बाबा जी आपकी दाढ़ी कैसी है? क्या आपकी दाढ़ी में कोई दाग नहीं? तो बाबा जी ने कहा कि मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि मेरी दाढ़ी में कोई भी दाग नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मुझे पता लग चुका है कि मेरे सारे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अगर मैं इसका उत्तर तुझे पहले दे देता तो पता नहीं इंसान की मति कब भ्रष्ट हो जाए। तो इसलिए संत भी इस मन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये जो तृष्णा है ये मन से कभी जाती नहीं। तो इसलिए अहंकार नहीं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ कि तेरा तुझको अर्पण। ये हमारा थोड़ी था, हम थोड़ी ना इसको लेकर आए थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसा भी हूं आपका हूं। सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि हमारे से कोई पाप ना हो। अब ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों ने ये सारी बातें सुनी लेकिन ग्रहण किसने की? सिर्फ एक ने। उनका नाम था भरत जी। भरत जी की कथा बड़ी सुंदर है। तो भरत जी ने क्या किया, पंचजनी के साथ में विवाह किया, घर में 5 पुत्र हुए, घर बार छोड़कर भगवान का तप करने के लिए जंगल में चले गए। देखो घर छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए, सारी चीजें छोड़कर आए। एक दिन कुटिया से बाहर निकले तो उस समय उन्होंने देखा एकदा तू महानदा कृताभिषेक नियमी काव्यको ब्रह्माक्षरम भी घृणानो मृत्र है मुद्कांत उपविवे
एकदा तू महानदा एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए बाहर आए, हाथ में जल का पात्र था, तो उस समय उन्होंने देखा कि तत्तर तदा राजन हिरणी पिपासिया, कि एक प्यास से व्याकुल हिरणी वहां पर आई और वो हिरणी जब पानी पी रही थी तो उस समय वहां पर एक सिंह एक शेर वहां पर उसको खाने के लिए आया। वो हिरणी थी वो गर्भवती थी और डर के मारे शेर के डर के मारे जैसे ही वो छलांग लगाने लगी तो हिरणी तो दूसरी तरफ कूद गई लेकिन जो उसका गर्भ था वो वहीं पर क्षीण हो गया, मतलब वो वहां पर उस नदी के अंदर गिर गया। हिरणी डर के मारे दूसरी तरफ गई और डर से उसकी मृत्यु हो गई। अब जो बच्चा था वो सारा दृश्य भरत जी देख रहे थे, उस बच्चे को गोद में लिया और अपनी कुटिया में लेकर आए, कुटिया में रखने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे। अब भरत जी को लगने लगा कि मेरे सिवा इस बच्चे का इस संसार में कोई नहीं है। जिस मोह को घर में छोड़कर आए थे, अपने बच्चों को छोड़कर आए थे, उन बच्चों से ज्यादा मोह हो गया हिरणी के बच्चे में। अब धीरे धीरे भगवान का भजन कम होने लगा, भगवान का ध्यान करते थे वो कम हो गया और धीरे धीरे उस बच्चे से प्रेम हो गया कि मेरा हिरणी का बच्चा कैसा है, उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया। तो ऐसे करते करते एक दिन समाधि के अंदर बैठे हुए थे, हिरणों का झुंड आया वहां पर और उस हिरणों के झुंड के साथ वो हिरण का बच्चा भाग गया। पहले थोड़ा बहुत भजन हो जाता था, अब मोह में इतने व्याकुल हो गए कि भगवान का भजन पूरी तरह बंद हो गया। दिन रात चिंता रहती कि कहीं कोई मेरे मृग के बच्चे को खा तो नहीं गया, क्या पता किस स्थिति में होगा, क्या पता वो मुझे कहीं और ढूंढ रहा होगा, मुझे उसको मेरी याद आ रही होगी। ऐसे करते करते बीमार हो गया, बीमार हुए और हिरणी के मोह में शरीर छोड़ा। तो भागवत के अंदर लिखा हुआ है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो अंत समय में जो स्मरण हमारे मन में होता है अगला जन्म हमारा वही होता है। तो यहां भरत जी की मृत्यु हुई, हिरणी की याद में मरे, हिरण के बच्चे की याद में, तो आगे का जन्म उनका हिरण का हो गया। लेकिन भागवत भगत थे, भगवान के भगत थे, इसलिए पीछे का जन्म याद रहा, क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति भी तो की थी। तो उस समय याद आया कि पिछले जन्म में तो हिरण के बच्चे से मोह कर लिया लेकिन इस जन्म में मैं किसी से मोह नहीं करूंगा। सूखी पत्ती खाते एक वृक्ष के नीचे खड़े रहते, ऐसे करते करते कुछ खाया नहीं तो मृत्यु हो गई, वो शरीर छूट गया। फिर भगवान ने एक मौका और दिया, अब जन्म हुआ एक ब्राह्मण के कुल में, कहा कि बेटा अब तुम भजन करो। तब नाम रखा गया भरत जी, लेकिन शरीर कैसा बना लिया, जड़ बना लिया, ना हिलते ना डुलते, वही खाते वही लुढ़क जाते, जड़ मतलब चेतना नहीं, सिर्फ जड़ बनकर रहे, एक ही जगह पड़े रहते। अब जब एक जगह पड़े रहे तो पड़े पड़े मोटे हो गए, कोई पास नहीं बैठता, वही मलमूत्र त्याग कर देते, क्यों, क्योंकि वो संसार के संसार से मोह नहीं करना चाहते थे। सोचा कि अगर अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे काम किए तो संसार के लोगों को मैं अच्छा लगूंगा और फिर मुझे संसार में मोह हो जाएगा, एक बार मोह किया अब मैं किसी से मोह नहीं करूंगा। तब घर वालों ने सोचा एक काम कुछ करता नहीं, उसे खेत में बिठा दिया। खेत में बिठाया तो भरत जी को कहा कि तुम्हें खेत में रखवाली करनी है, गाय आती हैं, चिड़िया आती हैं, हमारे अनाज को चुग चुग कर ले जाती हैं, तो तू घर में तो कुछ काम करता नहीं, यहाँ बैठा रहे और बैठा बैठा यहाँ चिड़ियों को उड़ाते रहना। लेकिन भरत जी जानते थे ये चिड़िया कौन है, ये संसार के जीव जंतु कौन है, उस परमात्मा के हैं और हम भी उस परमात्मा के हैं। तो उस समय जब चिड़िया आती तो जड़ भरत जी बैठे बैठे उन चिड़ियाओं से कहते, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, 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 जी मोमा
राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी रो खेत, जिम्मो भारी चिड़िया भरे भरे पे, जिम्मो भारी चिड़िया भरे भरे पे, खाओ भारी चिड़िया भरे भरे पे, ओ खाओ भारी चिड़िया भरे भरे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, जिम्मो भारी चिड़िया भरे भरे पे, जिम्मो भारी चिड़िया भरे भरे पे, जिम्मो भारी चिड़िया भरे भरे पे, भारी चिड़िया भरे भरे पे। जब इस बात का पता घर वालों को लगा कि वहां पर भी बैठा बैठा वो कोई काम का नहीं है, तो घर वालों ने अब खेत से भी उसे भगा दिया। जड़ भरत जी चाहते भी यही थे कि मुझे कोई प्रेम ना करे। अब एक जगह आराम से बैठे रहते, भगवान का भजन करते रहते। एक बार क्या हुआ, भीलों के राजा को कोई संतान नहीं थी और किसी से पूछा तो कहा कि नर की बलि दोगे तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो सोचा कि कोई अच्छा सा इंसान ढूंढ कर लाते हैं जिससे माँ भद्रकाली भी प्रसन्न हो जाए। तो उस समय अपने सैनिकों को भेजा, ढूंढते ढूंढते एक सड़क के ऊपर किनारे जड़ भरत जी बैठे हुए थे। जड़ भरत जी को उठाया और भीलों के राजा के पास लेकर आए, स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात माँ भद्रकाली के मंदिर में लेकर गए। भद्रकाली के सामने जैसे ही जाकर माँ भद्रकाली की बलि देने के लिए जड़ भरत जी को मारने लगे, तो उस समय साक्षात माँ भवानी वहां पर प्रकट हो गई और प्रकट होकर भीलों के राजा के हाथ से तलवार छीन ली और छीन कर कहने लगी कि रे पापी राजा, मैं बलि से थोड़ी ना प्रसन्न होती हूँ। तुम कोई अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, पेड़ लगाओ, लोगों को अच्छी शिक्षा दो, लोगों के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार करवाओ, धर्म का सहारा लो और धर्म का सहारा लोगों को दो। बलि देने से कोई भी देवी या देवता प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पर माँ भद्रकाली ने जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी कि तुम जिसे लेकर आए हो ये कोई साधारण पुरुष थोड़ी ना है, ये आत्मज्ञानी भरत जी महाराज है। ये कहकर माँ वहां से अंतर ध्यान हुई। जड़ भरत जी फिर वहां से जा रहे थे तो सिंधु सौरवीर का राजा रहुगण कपिल देव जी के आश्रम में आत्मज्ञान लेने के लिए जा रहे थे। तो उस समय एक कहार बीमार हो गया, राजा को उठाकर पालकी में लेकर जा रहे थे। चार कहार लगे हुए थे, एक कहार बीमार हुआ तो कहा कि किसी को ढूंढ कर लाओ। तो जड़ भरत जी को लाए। जड़ भरत जी जब चले पालकी को लेकर तो जैसे ही कोई कीड़ा पांव में आ जाए तो एकदम छलांग लगाते। देखिए जड़ भरत जी इतने आत्मज्ञानी हैं, जड़ भरत जी को पता है कि एक कीड़े के अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। ध्यान नहीं है कि ऊपर राजा बैठे हुए हैं। एक दो बार राजा रहुगण ने फटकार लगाई, डांटा, फिर कहारों को कहा कि इसे समझाओ, इसे मालूम नहीं कि वो एक राजा को लेकर जा रहा है। तो कहारों ने कहा, महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसे हमने दो तीन बार समझा दिया लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा रहुगण क्रोधित हुए, नीचे उतरे और कहने लगे, खा खा कर इतने मोटे हो गए हो, तुम्हें मैं अभी शिक्षा दे देता हूं, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाऊंगा, जब तुम्हें दो चार फटकार लगेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब जड़ भरत जी ने कहा, महाराज ये आपके मन का वहम है,
आप मुझे मार नहीं सकते। आप शरीर को मार सकते हो, शरीर को तो कोई भी मार सकता है, और शरीर को तो एक दिन मरना ही है। कि वंशांसी जीर्णानी यथा विहाय नवनी ग्रहति निरुप्राणी, ये शरीर है, इस शरीर को मार दोगे, इस शरीर को छोड़कर मैं किसी और शरीर को धारण कर लूंगा, मुझे नहीं मार सकते। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो हे महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते, आप इस शरीर को मार सकते हो। जब राजा ने कहा था कि खा खा कर मोटे हो गए हो, तो उस समय जड़ भरत जी ने कहा कि ना तो आत्मा मोटी होती है और ना ही आत्मा पतली होती है। मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। अब राजा रहुगण समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, चरणों में गिरे और कहने लगे कि मुझे कपिल देव जी के आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस आत्मज्ञान के लिए कपिल देव जी के पास जा रहा हूं, वो आत्मज्ञान आप मुझे दीजिए। तब यहां पर जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को आत्मज्ञान दिया, और आत्मज्ञान देने के पश्चात बताया कि मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है, और एक बार मिलने के पश्चात हमें भगवान का भजन थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार कपिल देव जी ने अपनी माता देहहूति को ज्ञान दिया था, वही अध्यात्म ज्ञान आज राजा रहुगण को दिया कि भजन करना है तो हमारे पास में थोड़ा सा समय होता है, बचपन में कुछ याद नहीं रहता, और वैसे तो अगर परमात्मा की कृपा है तो 5 साल के ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, तो अपने बच्चों को भगवान के भजन में छोटी छोटी उम्र में लगा दो, ताकि जब जवानी आए तो वो बुरे रास्ते पर ना चलकर भगवान का भजन करे। और भगवान का भजन करने का आनंद भी जवानी में ही है, बुढ़ापे में नहीं है। बुढ़ापे में हम किसी के अधीन हो जाते हैं, चलकर कथा नहीं सुन पाते, दर्शन नहीं कर पाते।